मालूम चल रही थी 30 अक्टूबर 1966 की प्रातः क्लास। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी सतयुग के लिए कह देते हैं लाखों वर्ष हुए। तो ये जान कैसे सके कि वो लक्ष्मी नारायण आदि कहाँ गए, क्योंकि लाखों वर्ष की तो बात कोई जान ही नहीं सकता। भारतवासियों को पता होना चाहिए ना, और धर्म वालों को अपनी हिस्ट्री का पूरा पता है। इब्राहिम कब आए, बुद्ध कब आए, क्राइस्ट कब आए, देवी देवता सनातन धर्म वालों को पता ही नहीं है कि हमारे सनातन धर्म का मुखिया कौन हुआ, वो कब आया और कहाँ गया। भारत में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, सतयुग था। भारतवासियों को यह समझना चाहिए कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के चित्र तो बहुत है। शहर शहर में बिरला मंदिर बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र उसमें रखे हुए हैं, कितने ढेर मंदिर बनाए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत बनाते हैं, समझते हैं लक्ष्मी नारायण से हमको धन मिलेगा, तो संस्कार कहाँ का भरा हुआ है ये बात समझने का कि लक्ष्मी नारायण से हमको धन मिलेगा। वो तो स्थूल धन समझ लेते हैं, स्थूल धन की तो बात नहीं है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण से हमको ज्ञान धन मिला था जो ईश्वर ने दिया था। महालक्ष्मी जिसको कहते हैं उससे हर दीपमाला पर धन मांगते हैं। जब जब दीपमाला मनाएंगे तो धन की आशा रखते हैं। माना संगम युग में जब आकर के आत्मा रूपी दीपकों की माला रूपी संगठन बनाया था, तो उससे पहले लक्ष्मी ने जरूर आकर के धन बांटा होगा, साथ में जरूर नारायण भी तो होगा ना। अकेले लक्ष्मी कैसे बांटेगी, कहाँ से लाएगी धन। अब दीपमाला पर पूजा करेंगे, कहा जाता है कालसुख की भावना पूरी होती है, जिसकी तकदीर में ड्रामा अनुसार जो है वो भावना पूरी होती रहती है। अभी बिरला बहुत नारायण, नारायण और लक्ष्मी के मंदिर बनाते हैं, उनको ये निश्चय है कि हमको लक्ष्मी से धन मिलता है, इनको बिरला को। तो स्थूल धन का बिरला है वो, बिरला व्यापारी तो स्थूल धन का बिरला है। स्थूल धन तो आकर के देती नहीं है लक्ष्मी, कौन सा धन देती है, ज्ञान धन देती है। तो जरूर ज्ञान धन का भी कोई बिरला व्यापारी होगा जिसने आप समान लक्ष्मी नारायण के ढेर चित्र तैयार किए होंगे, मंदिर स्थापन किए होंगे ना। वास्तव में है लक्ष्मी नारायण क्या, पत्थर बुद्धि है, साथ साथ ही बहुत पढ़ते रहते हैं, बाप कहते हैं और समझाते भी हैं, शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम और ही पत्थर बुद्धि बनते जाते हो।
जाती ही पत्थर बुद्धि बन गए। इस अक्टूबर 66 की वाणी का दूसरा दिन। आजकल तो कह देते हैं ईश्वर पत्थर बिस्तर सब में है। बिरला मंदिर में बना मंदिर बना करके मंदिर में स्थापना करते हैं और वो क्या करते हैं, जो सर्वव्यापी मानने वाले हैं वो कहते हैं सब जगह भगवान है। पत्थर की मूर्ति बना दी उसमें भगवान को मानने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये सब खुद पत्थर बुद्धि बन गए, इसलिए ये पत्थर की मूर्तियां बनाते रहते हैं। पार्थ बुद्धि तो होते ही है वास्तव में सतयुग में, कलयुग में वही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं और सतयुग आदि में वही पार्थ बुद्धि होते हैं। जब लक्ष्मीनारायण का राज्य था तो सोने के हीरों के महल बनते थे। हीरो के महल कैसे होते हैं, हीरे जैसी श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनके महल रूपी संगठन तैयार होते थे। जो सोने जैसी सच्ची आत्माएं हैं, सच्चा खाती है, सच्चा लेन देन करती है, सच्चा बोलती है, सच्चे कर्म करती है, ऐसी आत्माओं का संगठन बने थे। 5-4 वर्ष की बात है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है, लाखों वर्ष की बात नहीं है, ये सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। और धर्म पिताएं आए हैं 2500 वर्ष के अंदर जिन्होंने नरक बनाया, और उससे पहले के 2500 वर्ष लक्ष्मीनारायण का राज्य था जिन्होंने स्वर्ग बनाया। आधा आधा है, आधा स्वर्ग आधा नरक। आप समझाते हैं ये भक्ति मार्ग है ही दुर्गति मार्ग। सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है ही पतितों की दुनिया, क्योंकि भक्त दुर्गति को पाए हुए हैं। बाप समझाते हैं अब रामानुसार दुर्गति को पाते हैं तो मैं आता हूँ, तो दुनिया की स्थापना होती है। अब दुनिया की स्थापना कब होती है, जब मैं आता हूँ। और ब्रह्म को बनने क्या सोचते हैं, आ करके जब चला जाता है तब नहीं दुनिया की स्थापना होती है। ईंटों के सुखधाम बनाए जाते हैं, शांति धाम बनाए जाते हैं, वो हम बनाते हैं। भगवान तो पढ़ाई पढ़ा के चला जाता है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो, तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से ये पुरानी दुनिया का विनाश होगा क्या, पहले नई दुनिया नहीं बनेगी। स्थापना के साथ साथ नई दुनिया भी बनती जाएगी। अलग पहले मिशन ड्रामा अनुसार ये सब होगा, ड्रामा बना बनाया है ना। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था क्या, सिंगल का राज्य नहीं था, दोनों गद्दी पे बैठते थे। लक्ष्मी भी गद्दी पे बैठती थी, नारायण भी गद्दी पे बैठता था, दोनों की राजाई थी। उनको देवी देवता कहा जाता है, उनको 5000 वर्ष हुए हैं जब ये राज्य करते थे। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली, बाकी 2500 वर्ष द्वापर से लेकर के रावण राज्य शुरू होता है। वो 2500 वर्ष में रावण के दक्षिण राज्य करते, 2500 वर्ष सतीपुत्रेता में देवी देवताओं का राज्य चलता है, द्वापर युग में मनुष्य पतित बन जाते। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि हमको पतित किसने बनाया और कब से बनाया, कब से बनाया, जब द्वैत दो मतें शुरू हो गई तब से रावण ने हमको पतित बनाया। चूटी कहाँ होती है इसकी,
इस बात की भी शूटिंग संगम पर होती है। जब हम दूसरों की बात पर चलने लग पड़ते हैं तो माया पतित बनाती है। जब हम एक की बात पर चलते हैं तो पावन बनते हैं। तो फिर पतित कैसे बने पता लगना चाहिए ना। बाप समझाते हैं रावण राज शुरू होने से ये सब पतित बन जाते हैं। रावण के अनेक सिर, अनेक सिरों का, अनेक बुद्धियों से, अनेक सिरों रूपी बुद्धियों से मत लेने से पतित बन जाते हैं। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए हैं। तो कौन हुआ रावण? रावण को जन्म लिए 2500 वर्ष हुए। इब्राहिम जब से आया 2500 वर्ष पहले। इब्राहिम तो सत्व प्रधान आत्मा आती है, सात्विक आत्मा है ना, परमधाम बाप के घर से आई हुई आत्मा है, उसको रावण कहेंगे? नहीं। फिर वो आधार मूर्त में आती है। अच्छा, आधार मूर्त रचना है या किसी की किसी का रचयिता है? रचना है। तो रचना में ज्यादा पावर होती है या रचयिता में ज्यादा पावर होती है? रचयिता। ऊपर से आने वाली आत्मा सत्व प्रधान, तो वो तो रावण का काम नहीं करेगी। सत्व प्रधान आत्मा तो सर्वसेबल होती है, अच्छी बात ही बताएगी। वो जिसमें प्रवेश करती है वो अनेक जन्म ले चुकी है, वो तामसी हो सकती है। जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा पतित होनी चाहिए, क्योंकि पतितों में ही ऊपर से आने वाली पावन आत्माएं प्रवेश करती है। तो जो ऊपर से आत्मा आई इब्राहिम की, उस समय सबसे जास्ती पतित आत्मा कौन थी? इब्राहिम का आधार मूर्त माना। आधार मूर्त कौन बनता है? पश्च धर्म पिता शिव बाबा फर्स्ट नारायण में प्रवेश करता है और सेकंड नारायण में प्रवेश करता है। फर्स्ट नारायण में बाप बनकर आता है और सेकंड नारायण में माँ बनकर के आता है। तो वो तो प्रवृत्ति मार्ग का खेल हो गया, क्योंकि बाप आते हैं प्रवृत्ति मार्ग की राज्य स्थापन करने के लिए, प्रवृत्ति मार्ग की धर्म स्थापन करने के लिए। उसके बाद जितने भी आते हैं द्वापर युग से, सारे ही धर्म पिता निवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। वो कोई प्रवृत्ति मार्ग की राज्य शुरू नहीं करते। तो बताया कि रावण कौन हुआ है? पूछा है कमजोर है हमारे, कमजोर है ये तो बता रहे हैं। हमारी कमजोरी हमें रावण, उनमें भी अव्वल नंबर कोई होगा है? कमजोरी धारण करने वालों में भी कोई अव्वल नंबर होगा या सभी अव्वल नंबर है? गायन किसका होता है? रावण के रूप में भी चरित्र किसका माना जाएगा? राम के रूप में भी चरित्र अव्वल नंबर का माना जाएगा या नंबर वार का माना जाएगा? अव्वल नंबर। अब नंबर को पहले आगे रखा जाएगा, जो पहले उठे सो पहला अर्जुन। तो ऊपर से आने वाली आत्मा नारायण में प्रवेश करती है, सेकंड नारायण आधार मूर्त है। क्या आधार माना? जड़े जमाने वाला है और उसका भी कोई बीज है, रचयिता है। वो रचयिता कौन? उसको जन्म देने वाली कोई तो आत्मा होगी, वो बीज रूप आत्मा। तो बीज रूप आत्मा संगम युग में एडवांस पार्टी में होगी। क्या एडवांस पार्टी में? एडवांस पार्टी में उसने बीज डाला, किस बात का? हाँ जी, वो बीज डाला तो सेकंड नारायण सबसे जाती पति बना।
तो रावण के जन्म को अब तुम समझ गए हो, 2000 वर्ष हुए। शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष हुए, 5000 वर्ष हुए मान। कब कहे संजय जी में? अरे संजय जी में भी कब है? शिव जयंती आखिर कब कहे? 76 में रात के 12 बजे थे या सूर्योदय हुआ था? 12 बजे सूर्योदय नहीं हुआ है? अभी विजय हो गया बाबा है? अभी विजय हो गया, अभी भी उदय होगा, अभी हुआ नहीं है। नहीं हुआ? अच्छा, अभी प्रत्यक्षता पूरी नहीं हुई? नहीं बाबा, घर परिवार वालों को पता चला है? अच्छा, शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष हुए। शिव बाबा के जन्म को? शिव बाबा के जन्म को नहीं, शिव बाबा के जन्म को। माने शिव बाबा आया तो 36 में भी शिव बाबा था, लेकिन जन्म प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं हुआ। जन्म कब हुआ? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाए लिया, कब? 76 में। लेकिन 76 में जो प्रत्यक्षता वर्ष मनाए लिया, उसमें तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हुई क्या? नहीं। तो त्रिमूर्ति शिव का जन्मदिन कैसे कहेंगे? तीनों मूर्तियां तो प्रत्यक्ष हुई, पहली मूर्ति, दूसरी मूर्ति, तीसरी मूर्ति का तो अभी भी पता नहीं है, स्टेज पे है ही नहीं, तो जन्म कैसे कहेंगे? तो तीनों मूर्तियां शक्ति रूपी रंगमंच पर देखने में आवे। तीनों मूर्तियां जो है वो अपना पार्ट प्ले करें जोर शोर से, तब कहेंगे शिव बाबा का जन्म हुआ। क्योंकि शिव बाबा अकेला तो जन्म लेता नहीं, उसके साथ आता है, तीन मूर्तियों के साथ आता है, तीन मूर्तियों के साथ जन्म लेगा। क्योंकि वो तो है बिंदी, हमेशा बिंदी जो है वो बिंदी बाप तीन बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है। 5000 वर्ष हुए शिव बाबा को जन्म को, उनको राम और उनको रावण कहते हो, इनको शिव बाबा को राम कहते हैं। क्यों राम ही नाम क्यों लिया? रावण कहता है उनको राम कहते हैं शिव बाबा को, उनको क्यों? ब्रह्मा के तन में भी तो था, ब्रह्मा के तन में भी तो पार्ट बजाय रहा था, तो इनको क्यों नहीं कहा? वो कृष्ण के तो आने वाले, हाँ कृष्ण के द्वारा माँ का पार्ट बजाया, माँ के रूप में रावण नहीं होता क्या? माँ के रूप में रावण नहीं कहेंगे, मंदोदरी कह सकते हैं। उनको राम उनको रावण कहते हैं, किनको? शिव बाबा के जन्म हुआ 5000 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ उनको कहेंगे राम, और 2500 साल पहले जिनका जन्म हुआ उनको रावण कहते। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए, लो वास्तव में राम नहीं कहना चाहिए, रियलिटी में नहीं है क्या? राम वास्तव में कहना नहीं, वो रियलिटी नहीं है क्या? है जिसको राम कहते हैं वो क्या अनरियल है? है नारियल है नहीं? अरे ये क्या बात, अभी तो बोला उनको राम उनको रावण कहते हैं, कौन कहते हैं? भक्त लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं राम भगवान, लेकिन राम क्या भगवान होता है? वो गॉड फादर है, वो थोड़ी है। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए, क्यों? वास्तव में शब्द क्यों लगा दिया है? हाँ, क्योंकि वो कलयुग के अंत में आकर के अंत में वो भी तो रावण बन जाता है, राम रावण बनता है, कृष्ण कल्प बनता है, तो वो दोनों भी तो नीचे गिर जाते हैं,
तो राम किसको कहना चाहिए? ऊपर वाले को है, ऊपर वाले को। हाँ, वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए, वास्तव में नहीं कहना चाहिए, अनरियल में कह देते हैं। क्या? नारियल को राम कह देते हैं। नारियल को क्या किया जाता है? शिव के मंदिर में जाके नारियल को तोड़ते हैं, देवियों के मंदिर में जाके भी नारियल को तोड़ते हैं। इधर दक्षिण भारत में देवियों के मंदिर कम है क्या? है? वास्तव में राम कहना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। आजकल तो मनुष्यों को भी रामचंद्र नाम दे देते हैं। कोई मनुष्य है जिनके रामचंद्र नाम दे दिए, लक्ष्मी नारायण नाम रखे हुए हैं आजकल? क्यों आजकल क्यों कहा? पहले ऐसा नहीं होता था? नहीं था। हाँ, सत्यवत्रेता में जो भी राजा होते थे उन राजा का नाम कोई अपने ऊपर रखा ही नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा काम ही किसी ने नहीं किया। नाम किस आधार पर होना चाहिए? काम के आधार पर नाम होना चाहिए। तो जिसने काम किया उसका नाम हो, जिसने काम किया नहीं और नाम रखा ही लिया, तो ये तो चालाकी हो गई ना। तो आजकल मनुष्यों के भी रामचंद्र लक्ष्मी नारायण नाम रख देते। अब बच्चे समझते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। 5000 वर्ष पहले सोने की चिड़िया थी और अब सोने की जंजीर हो गई है। जंजीर सोने की चिड़िया क्या हो गई है? पहले 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। अब सोने की चिड़िया को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश नहीं करते हैं क्या? भले मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि अब वो सोने की चिड़िया गायब हो चुकी है। गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है सत्यवत्रेता को। अब गाते हैं, प्राचीन भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की महल थे। क्या जो भी संगठन थे वो सब सच्चे संगठन थे? उन संगठन में कोई धोखाबाज नहीं होता। आज तो कोई राजा होते हैं, राजाओं की अपनी राजाई होती है, तो उनके अपने राज्य अधिकारी होते हैं, तो क्या करते हैं? राजा को ही धोखा दे देते हैं, मार देते हैं। मंत्री राजा बनकर के बैठ जाते हैं, तो वो संगठन कैसा हो गया? सोने का संगठन कहे, सच्चाई का संगठन कहे, या झूठा संगठन कहे? वो तो झूठा संगठन हो गया। स्वर्ग बैकुंठ था। शिव बाबा ने जो दुनिया रखी थी वो सोने की दुनिया रखी थी, सोने की भी नहीं, पहले हीरों की दुनिया रखी थी। संगम युग में कौन सी दुनिया रखी जाती है? संगम युग में हीरों की दुनिया रखी जाती है, और सतयुग में सोने की दुनिया। स्वर्ग बैकुंठ था, परंतु समझते नहीं है। भारतवासी ये भी नहीं जानते कि आत्मा क्या है, है? जानते हैं? कोई कह देते हैं अंगूठी मिसल है, अंगूठा के आकार की है। ये भी शूटिंग किसने की है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पहले अंगूठे छोटा छोटा आकार बनाया है, शिवलिंग शिवलिंग की तरह छोटा आकार बनाया, उसमें बाद में फिर जिंदगी रखना शुरू कर दिया। पहले शिवलिंग बड़ा लाल लाइट का गोला बनाते थे, बाद में उसमें भी बिंदु रखना शुरू कर दिया। तो कोई जानते नहीं है वास्तव में कि आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है क्या आत्मा क्या चीज है? आखिर क्या है वो जो सिंबल बनाते हैं आखिरी में, आत्मा का सिंबल बनाते हैं, है? लाल लाल टेलीग्राम जैसा बनाते हैं, उसमें बिंदु रखते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, लाल लाइट का गोला, उसमें बिंदु रखते हैं, उसका मतलब क्या है? वो सिंबल क्यों दिया है? सोने का जैसा रंग होता है ना, ऐसे रंग वाली आत्मा बन जाती है शरीरधारी। सोने का शरीर बन जाता है, शरीर कंचन काया
बन जाता है और उसे वो हीरा निवास करता है, आत्मा रूपी हीरा, इसलिए वो आकार बनाया हुआ है, सब आकार बनाया हुआ है, हैं? ऐसे ही शिव बाबा, शिव बाबा का जो अपना शरीर है वो भी कंचन काया बने, शिव बाबा का बने या शिव बाबा जिसमें प्रवेश करता है उसका बने, शिव बाबा का बने, क्या शिव बाबा क्यों, शिव बाप का क्यों नहीं, शिव बाप तो बिंदु बनता है, वो तो न हीरा बनता है न सोना बनता है न रजत लिंग बनता है न ताम्र लिंग बनता है, बनता कौन है, शिव बाबा बनता है, शिव बाप थोड़ी बनता है, तो शिव बाप जो है वो सोना हीरा चांदी न नीचे गिरता है न ऊपर उठता है, वो तो एक जैसा है, हमेशा था, हमेशा एक जैसा ही रहेगा, सदा से बने, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो ऊंचा और नीचा बनता है। तो दुनिया तो कुछ नहीं जानती कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अब हमको समझ में आया कि परमात्मा क्या है, जो परम पार्ट बजाने वाला है वो परमात्मा, आत्माओं के बीच में जिसने परम पार्ट बजाया, तुलना किससे की, आत्मा जो और आत्माएं 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनसे उसकी तुलना की गई कि उनके बीच में वो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, इसलिए अब हमने समझा कि जो नाम रखा है परमात्मा या टाइटल रखा है वो इस आधार पर रखा है, सृष्टि क्या है ये भी नहीं जानते, न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते न सृष्टि को जानते, कुछ भी नहीं जानते, उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि, बिल्कुल जो आत्मा परमात्मा और सृष्टि के आदि अध्ययन को नहीं जानते उनको तुच्छ बुद्धि कहा जाता है। अच्छा वो बाहर की दुनिया की बात हुई अंदर की दुनिया की, बाहर की दुनिया की तो बात ही नहीं, न उनको अभी पढ़ाई पढ़ाए रहे, अभी बाप पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं जिनको उनके लिए बोला कि इतने लंबे साल इतने वर्ष तक पढ़ाई पढ़ाने के बावजूद भी जिनको अभी तक ये पता नहीं चला कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है और ये सृष्टि का आदि अध्ययन क्या है, बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित न रचयिता को जानते हैं न रचना के आदि अध्ययन को जानते हैं, कौन से बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य है, बाहर की दुनिया के तो 2500 साल से जानते ही नहीं थे, हो सकता है उनमें हमारा भी नंबर हो क्या, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य कोई बाहर की दुनिया के बने या अंदर से ही कोई बने, हम ब्राह्मण ही तो बने थे है? तो उस समय की तो बात छोड़ दो, अभी बाप आया हुआ है तो इस दुनिया में ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य माने जाते हैं जिनका बहुत मान मर्तबा है, ऐसे साबित होता है उनका बहुत मान मर्तबा है, पोस्टर बनाते हजारों की तादाद में उनकी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जब वो प्रवचन देते हैं तो हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो मान मर्तबा हुआ ना, तो इतना जिनका मान मर्तबा है पुराने पुराने ऋषि मुनि आचार्य हैं वो भी नहीं जानते ब्राह्मणों की दुनिया में कि परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है और ये सृष्टि क्या है, न बाप के वर्षे को जानते हैं, हैं? वो क्या समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने हमको जो मेहरबानियां आचार्यां दे दी, जो बड़े बड़े सेंटर्स दे दिए, जो जोनल इंचार्ज बन के हम बैठ गए वो ही वर्षा है, लेकिन बाप कहते हैं ये मेरा वर्षा नहीं है, मैं स्थूल वर्षा नहीं देता हूँ, मैं तो आत्मा को वर्षा देता हूँ, क्या वर्षा देता हूँ आत्मा को, लेकिन दुख की शांति की दुनिया में रहते हुए भी आत्मा अपने को शांति धाम का वासी समझे, सुख धाम का वासी समझे, कभी भी दुखी न हो, कभी भी अशांत न हो। अब ये बातें तो भक्ति मार्ग में जो मनुष्यों ने शास्त्र बनाए उसमें भी लिख दिए, ये समान लोक उद्योजते लोको लोकान्योजते
जो लोगों से उद्वेष को प्राप्त न हो, अशांति को प्राप्त न हो, और जो लोगों को उद्वेष पैदा न करे, अशांति पैदा न करे, उसको कहेंगे संपन्न आत्मा, आत्मनिष्ठ, आत्म की स्टेज में टिका हुआ। तो बोला जो नहीं जानते हैं, न बाप को जानते हैं, न बाप के वर्षे को जानते हैं, उनको कहेंगे डबल नास्तिक। क्या? बाप को नहीं जानते हैं तो सिंगल नास्तिक, और बाप के वर्षे को नहीं जानते हैं तो डबल नास्तिक। तुम भी पहले डबल नास्तिक थे। क्या क्या था? जब बीके में थे तो क्या थे? है? डबल नास्तिक थे। अब फिर बाप द्वारा तुम डबल आस्तिक बने हो, बाप को भी जानते हो, बाप के वर्षे को भी जानते हो। बाप को जाना, विश्व की बादशाही का वर्षा जो मिला उसको तुम जान गए। सारी सृष्टि चक्र को, रचना के आदि अध्ययन को तुम जानते हो, तुम ठहरे डबल आस्तिक। बाकी भर कितने भी बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, सब डबल नास्तिक। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी समझा नहीं सके, खुद ही समझ नहीं सकते। तुम अब ना आस्तिक बने हो। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि हमको शरीर चाहिए क्या? शरीर में क्या चाहिए? सुख और शरीर क्या चाहता है? ये शरीर है, इस शरीर से सुख भी होगा जाता है, इस शरीर से दुख भी हो जाता है, शरीर अशांति भी हो जाता है, शरीर शांति भी हो जाता है। तो चाहिए क्या? इस शरीर में रहते रहते हमको क्या चाहिए? सुख और शांति चाहिए। उनको पता ही नहीं। वो कह रहे थे हमें सदाकाल की मुक्ति चाहिए। क्या? सदाकाल की मुक्ति। क्यों? कौन? दुनिया वाले या ब्राह्मणों की दुनिया? ब्राह्मण दुनिया। वो कहते हैं हमें सदाकाल की मुक्ति चाहिए। कहते सुना है? सुना है कभी किसी ने? सुना? अभी नहीं कहते हैं, लेकिन जब अंदर से परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं इससे तो अच्छा हम ऊपर ही रहे, हमें ये दुनिया अच्छी, हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। अगर भगवान शंकर जी में पार्ट बजाता है हमें तो हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। तो उनकी ये आवाज अंदर से आती है, हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, हमें तो बस परम धाम में बैठना है, शांति धाम। सन्यासियों के पास जाकर के कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब सन्यासी शांति कहाँ से देंगे? वो तो खुद ही अशांत होकर के दरबार छोड़ करके भाग जाते हैं। शांति कहाँ से आ सकती है? अरे कर्म तो करना ही है ना, दरबार छोड़ देने से क्या कर्मेंद्रियां साथ नहीं रहती? दरबार छोड़ देंगे तो भी कर्मेंद्रियां तो साथ में रहेंगी। कर्मेंद्रियां जब तक साथ हैं तो कर्मेंद्रियों के भोग भोग नहीं पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सदाकाल के लिए शांत हो जाए। इसलिए बाप आकर के तुमको कर्मयोगी बनाते हैं। क्या? कर्मेंद्रियों से कर्म भल करो, लेकिन जो कर्म करते हो उस समय बाप की याद रहनी चाहिए। जब बाप की याद में मन लगा रहेगा, बुद्धि लगी रहेगी, तो कर्मेंद्रियों का भोग तुमको नहीं भासेगा। तुम जानते हो कि शांति तो शांति धाम में मिलेगी। क्या जानते हो इस बात को? है? नहीं जानते? शांति शांति धाम में मिलेगी ये नहीं जानते? जानते हैं ना, शांति शांति धाम में मिलेगी। तो फिर जाओ शांति धाम। है? फिर यहाँ काहे के लिए बैठे? ये तो अशांति धाम है, दुख धाम है। जब मालूम हो गया कि शांति धाम में ही शांति मिलेगी तो कहाँ जाना चाहिए? शांति धाम। शांति धाम जाना चाहिए। सुख धाम में आना। हाँ, सुख धाम में तो आना है, शांति धाम जाना है, लेकिन जाते क्यों नहीं? यहाँ काहे के लिए बैठे?
कर्मों का बंधन है। जो कर्मों का बंधन है वो कर्मों का बंधन जिन जिन आत्माओं के साथ है वो हिसाब किताब जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इस शक्ति पर भी शांति धाम बनेगा ही नहीं। इस दुनिया में अभी शांति धाम है नहीं। भले माउंट आबू में एक टाइम ऐसा आएगा कि शांति धाम बनेगा, हम बच्चों का सारा संगठन इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम बच्चों को तीर्थ जन्मों के कर्म को कूटने का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ। अगर एक शांति में हो और बाकी अशांति में हो, एक को कोई को शांति मिल जाए और बाकी सब अशांत में हो तो क्या होगा? वो बाकी जो सब अशांत में है वो भी उसको क्या कर देंगे? तो उसको अशांत कर देंगे, कहेंगे तू कैसे बता लिए जा रहे हो बाप का सारा, पहले हमारे हमसे तो हिसाब किताब पूरा करो। उनको भी अशांत कर देंगे। क्या इशारा दिया? क्या इशारा दिया? तुमको भी अशांत कर देंगे। हाँ, चाहे वो लक्ष्मी नारायण हो 76 वाले है, चाहे 2007 वाले 6 वाले अष्टदेव हो, उनको भी प्रत्यक्ष तो होना है ना। अगर वो शांति धाम सुख धाम की स्टेज में जाते हैं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? उनको उनको चैन से बैठने नहीं देंगे, अशांत करने की कोशिश करेंगे, अशांत कर देंगे। कब तक अशांत करेंगे? जब तक शांति धाम का संगठन तैयार नहीं होता है। शांति में चार भांति होंगे। क्या कहा? शांति में चार भांति होंगे। एक अशांत होगा। ऐसा कोई घर परिवार हो जिसमें चार शांत हो और एक अशांत हो तो क्या करेगा? वो भी अशांत रहेगा। वो जो एक अशांत होगा ना वो चारों को अशांत करता रहेगा। तो क्या करना पड़े? उनको भी शांति देना पड़े। तो उनको पांच पांडव को इकट्ठा करना पड़े। अच्छा, शांति मिलती है स्वीट होम में। स्वीट होम कहाँ होता है? स्वीट आपका स्वीट बाप का जो घर होगा वो ही स्वीट होम होगा। आबू अब्बा का घर क्या होगा? स्वीट होम होगा। अभी नहीं है, अभी वो भी क्या बन गया? वो भी अशांति धाम बन चुका है। शांति मिलती है स्वीट होम में, फिर वहां से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं। कहां की बात? बाप का भेजने की बात कहां की है? ऊपर के परम धाम की है। यह शक्ति पर तुम शांति धाम को उतार लेंगे, उस दुनिया की बात है। साकार शक्ति पर जो हम शांति धाम का संगठन बनाएंगे, उस संगठन में से जो जो आत्मा पवित्र बनती जाएगी, विजय माला का दाना विजय माला में ऐड होती जाएगी, उनको कहाँ भेज देंगे? उन्हें सुखधाम में भेजते जाएंगे। अब बाप आए हैं तो बाप दो जगह में थोड़ी जो भेजेंगे। बाप कहाँ भेजेंगे? बच्चे संपन्न बनेंगे तो बच्चों को सुखधाम में भेजेंगे। बाप भेजते ही है नई दुनिया में। शांति धाम से हम सुखधाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये है भगवान की पाठशाला। भगवान की जो पढ़ाई पढ़ाने का स्थान है उसका गायन है। शास्त्रों में भी गायन है और प्रैक्टिकल में भी हम बना हुआ देखते हैं भक्ति मार्ग में। क्या गायन है? ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय नहीं क्या? आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं, वो भी नहीं, गीता पाठशाला, गीता मंदिर। गीता मंदिर तो जो गीता मंदिर है वो कब की यादगार है? जब गीता माता संपन्न बनी होगी तब की यादगार है या अभी की यादगार है? संपन्न है।
क्योंकि टीचर तो बाबा किसको बनाते हैं? माता को बनाते हैं। तो शिव बाबा है तो सबसे पहले तो गीता माता को संपन्न बनाए, तब संपन्न गीता पाठशालाएं बने। जो संपन्न गीता पाठशालाएं बने उनका फिर भक्ति मार्ग में गायन हो। क्या गायन हो? गीता मंदिर। जो गांव गांव में शहर शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं वो किस समय की यादगार है? प्रसंग युग की यादगार। ब्रह्म कुमारी विद्यालय, आध्यात्मिक विद्यालय, ये यादगारें नहीं बनी हुई है। क्या यादगारें बनी हुई है? गीता मंदिर यादगार बने। क्यों? वो संपन्न था। क्योंकि गीता पाठशालाएं युगलों के द्वारा चलाई जाती है। इसलिए मुरली में बोला है, आगे चलकर अगतवाणी में भी बोला है, आगे चलकर के युगलों की बहुत महिमा निकलेगी। क्या? बहुत महिमा। बहुत महिमा निकलेगी। आरो भाई रह जाएगा। है? क्या करेगा? है? जब अच्छा है कोई गीता बजाय कोई खोलना है, गीता पाठशाला खोलना है तो अकेले हम गीता पाठशाला कैसे खोलो? तो सिंगल हो? युगलों के युगलों गीता पाठशाला खोलेगी। हाँ फिर है? हम बाप को युगल बना के पांडव और बोल लेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये है भगवान की गीता पाठशाला। ये कोई वो सत्संग नहीं है, यहाँ तो भगवान वास है बच्चों के प्रति। गीता पाठशाला में गुरुओं वास नहीं है, यहाँ तो भगवान वास करता है। गीता पाठशाला में जो गीता ज्ञान दिया स्वयं भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाता है और प्रवृत्ति मार्ग में रह करके पढ़ाई पढ़ाता है। भगवान वास है बच्चों प्रति। निराकार भगवान शरीर में प्रवेश करके तुमसे बात करते हैं। बात करने वाला कौन है? निराकार। और किसके मुख से बात करता है? साकार शरीरधारी में प्रवेश करके बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्मेंद्रियां मिलती हैं तो बोलती है और सुनती है। आत्मा को जब तक कर्मेंद्रिया न मिले तब तक न बोल सकती न सुन सकती न तो न कोई कर्मेंद्रियों से काम कर सकती। ऐसे ही शिव ज्योति बिंदु, वो जब शरीर का आधार लेता है तो बोलता भी है सुनता भी है कर्म भी कर सकता है। करण करावनार कहा जाता है। अब आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, परमात्मा को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, ओ गॉड फादर, लिबरेटर, ओ गाइड, बुलाते हैं। भक्ति मार्ग में बुलाते हैं या ज्ञान मार्ग में बुलाते हैं? भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। तो कहाँ की आज गए? जरूर संगम युग में कोई ने बुलाया होगा ना। क्या? इसलिए मुझे बोला है जो मुझे पतित पावन को बुलाते हैं वो ही पतित से पावन बनते हैं। जो पतित पावन राम बाप को बुलाते ही नहीं पावन वो पतित से पावन नहीं बनते ही नहीं। तो परमात्मा बाप को बुलाते भी है, गॉड फादर, पतित पावन, लिबरेटर, गॉड गाइड, आओ। इसका भी अर्थ नहीं समझते। वो तो लिबरेट करते हैं दुख से। क्या लोग समझते हैं? इस दुनिया से लिबरेट कर देते हैं हमेशा के लिए। इस दुनिया से लिबरेट नहीं करते हैं। कहते हैं रहो भले इस दुनिया में ही, लेकिन आत्मा की ऐसी स्टेज बनानी है जिससे आत्मा ये अनुभव करे इस दुख की दुनिया में, अशांत दुनिया में रहते हुए ही, कि हम सुख में हैं, दुख में नहीं है। गाइड बनकर के ले जाते हैं। क्या गाइड बनकर के? गाइड गाइड क्या करता है? रास्ता बताता है ना, इधर आओ इधर आओ इधर देखो ये करो वो करो। तो गाइड बनता है। कहाँ ले जाता है? शांतिधाम। शांतिधाम ले जाए, सुखधाम सीधा ही ले जाएगा। सुखधाम सुखधाम भी ले जाएगा। पहले पहले शांतिधाम पहले शांतिधाम का रास्ता बताता है।
तो शांति धाम का रास्ता तो बताया है नहीं बताया है? क्या करना है दुकानदारी के करना है कि नहीं करना है? अरे बोलो है? बोला इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं कि वो गाइड बनकर के कैसे ले जाते हैं। मैंने कूद कूद के मनुष्य आत्मा की बुद्धि में ये ज्ञान भर देते हैं। क्या ज्ञान भरते हैं कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। आखिरी में ये धंधे धोरी सबको छोड़ने पड़ेंगे, ये ईश्वरीय धंधे में ही सबको लगना पड़ेगा। ईश्वरीय धंधे में लगेंगे तो इसे दुख धाम से छूटेंगे, शांति धाम की प्राप्ति करेंगे। तो जानते नहीं है कि वो लिबरेट कैसे करते हैं और फिर गाइड बनकर के कहां ले जाएंगे, तो चिल्लाते रहते हैं। अभी गॉडफादर आया हुआ है क्या? अभी गॉडफादर आया आया हुआ है कहां के लिए ले जाने के लिए आया हुआ है? शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। तुम बच्चों को गाइड करके ले जाओ, शांति धाम ले जाते हैं, शांति धाम तो ले जाते हैं और फिर सुख धाम सुख धाम में भेज देते हैं। क्या खुद नहीं जाते हैं? क्या करते हैं? सुख धाम में तुम बच्चों को भेज देते हैं, तुम आप ही सुख धाम में चले जाएंगे। क्या शांति धाम की शांति स्टेज में जब तुम संपन्न स्टेज में पहुंचेंगे तो सुख धाम आप ही पहले निराकारी स्टेज संपूर्ण बने। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज जैसे ही बनी बाप समान स्टेज, वैसे ही तुम अपने आप ही सुख धाम में चले जाओगे। बाप एक ही बार आकर के सबका गाइड बनते हैं, ऐसे नहीं बार बार आएंगे। गाइड बनते हैं फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे, यहाँ पुरानी दुनिया में गाइड बनते हैं। गाइड बनकर के शांति धाम ले जाते हैं, शांति धाम से तुम अपने आप ही सुख धाम में चले जाएंगे, वहां तुमको गाइड नहीं करेंगे। एक ही बार आते साधु संतान सब पतित होने के कारण ये नहीं जानते कि हम वापस अपने घर जावे कैसे, उड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं उड़ सकते? तो साधु संत महात्मा उड़ क्यों नहीं सकते? नहीं। बाप को नहीं जानते हैं। वो बाप को ही नहीं जानते, बाप को जानते नहीं तो बाप को याद नहीं करेंगे, याद नहीं कर सकते तो उनको ताकत ज्ञान योग के पंख ही नहीं मिलेंगे, ज्ञान योग के पंख नहीं मिलेंगे तो ऊंची स्टेज में उड़ेंगे कैसे? उड़ नहीं सकते। साधु संत आदि सब भक्ति करते हैं, भक्ति करते रहते हैं वहां जाने के लिए, परंतु ये नहीं समझते हैं कि हम पतित हैं। जब तक पतितपना समाया हुआ है तब तक आत्मा ऊंची स्टेज में उड़ नहीं सकती। पतितपना पहले बुद्धि में से निकले, कर्म इंद्रियों से भी पतितपना निकले, वाचा हो कर्मेंद्रिया हो मन बुद्धि हो वाइब्रेशन हो, उनमें से पतितपने की बात निकले तब जाकर के घर जाए, ऊंची स्टेज में उड़े। तो जो जो ऊंची ऐसी स्टेज में उड़ते जाएंगे वो परमधाम वासी बनते जाएंगे। साधु संत आदि सब भक्ति करते हैं परंतु अपन को पतित नहीं समझते हैं, ये बड़ी भारी भूल हो गई। पहले क्या समझना पड़े? पहले अपन को पतित समझना पड़े, क्योंकि पतितों के लिए बाप अब आया हुआ है। जो पतित नहीं है उनके लिए बाप आया हुआ नहीं है, इसलिए जा ही नहीं सकते क्योंकि पतित नहीं समझते, अहंकारी है। पतित पावन बाप आकर के जब पावन बनावे तब ही तो हम जा सकते हैं। अभी बाप बच्चों को तुमको पावन बनाए रहे
और युक्ति बताए रहे हैं। क्या क्या युक्ति बताई? बापू याद कर रहे हैं। बापू याद करना, बापू हाँ याद किस रूप में करना? एक बापू दूसरा कोई, तो ये युक्ति बताए रहे हैं। लेकिन फिर ये युक्ति पूरी हो पा रही है? ये युक्ति पूरी हो रही है? एक बाप दूसरे में कोई है और दूसरे दूसरे क्यों टांगड़ा देते हैं? टांगड़ा रहे हैं नहीं रहे? याद में टांग दौड़ा रहे हैं, तो फिर वो टांग ना अड़ाए, इसके लिए हम क्या करें? एक बाप को पकड़ ले, तुम पकड़ के बैठ जाओगे, दूसरे क्या करेंगे? हिसाब किताब पूरा करना है, क्या करना है? बाकी बता रहे हैं एक बात को याद करो। लेकिन एक बात की याद तो कितने साल हो गए? एक माह को चलना चाहिए है? हाँ, एक बात की याद तब आएगी जब एक की कीमत पर चले और कोई कीमत पर न चले। जब तक द्वैत बात चल रहा है तब तक बात की याद एक की नहीं आ सकती, व्यविचार जरूर आता रहेगा, याद में भी व्यविचार आएगा, वृत्ति में दृष्टि में व्यविचार आएगा। 30 अक्टूबर 1966 की वाणी का तीसरा पेज युक्ति बता रहे हैं। बाप क्या कर रहे हैं? युक्ति तो बता रहे हैं, ये भी बताते हैं सबको पतित बनना ही है। क्या जो साधु संत महात्माएं हैं जो ये समझते हैं कि हम पावन हैं और ये सब गृहस्थी जो है वो सब गिरिहस्थी है, कौन सी दुनिया के साधु संत समझते हैं? बाहर की दुनिया के ही नहीं, ब्राह्मण की दुनिया में भी ऐसे ही समझते हैं। जो गृहस्थी में चल रहे हैं, नन सरेंडर है, वो सब क्या है? पतित, वो सब पतित है, गृहस्थी सब गिरिहस्थी है और हम पावन है, वो ऐसे समझते हैं। बाप कहते हैं अभी तो सभी को पतित बनना है। ये क्या बात होगी है? माने जो अहंकार में है उनको और जास्ती पतित बनना है, जो गृहस्थी है उन गृहस्थियों को भगवान आकर के उठाता है इसलिए वो उठ जाएंगे, और जो अहंकार में रहते हैं उनको भगवान मिलता ही नहीं, वो भगवान को पहचानते ही नहीं, पहचान न होने के कारण उनका पतितपना और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ना पहचानने के कारण नहीं, ना पहचानने के कारण पतितपना क्यों बढ़ेगा? थोड़ा तो घरघाट छोड़ दिया, भल घरघाट छोड़ दिया तो भी जिनों के साथ रहेंगे, जिनों के हाथ का बना हुआ खाएंगे, उन्हीं की तरह बुद्धि बाल की रहती है, उन्हीं का संग करते हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है, ऐसा कोई नहीं है जो तामसी न बने। अभी कितने ढेर मनुष्य, 550 करोड़ है, क्या कहा अब की बात बताई है? कौन से सन की बात बताई? 550 करोड़ छाछ की बात बताई। सचिव में जमीन देवताओं का राज्य था तो 9 लाख थी, अभी इतने हैं, आज में इतने थे, उस समय इतने कम क्यों थे, अभी इतने जास्ती क्यों है? ऊपर से आए आत्मा ज्यादा से ज्यादा आती है, जितने जितने जास्ती नीचे गिरते हैं पतित बनते हैं उतनी जनसंख्या जास्ती बढ़ती है, जितने जितनी ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ होता है वो ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान जब प्रैक्टिकली समझ आता है तो इंद्रियां जो है उपराम बनती है, और जितना कर्मेंद्रियों में
बुद्धि जाती है उतना ज्यादा व्यभिचार संसार में बढ़ता रहता है, द्वापर युग से व्यभिचार बढ़ता है। तो सती हुआ आदि में आबादी कम क्यों थी? क्योंकि जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिया है उन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रियों के द्वारा ही संसरण होता था। और अभी अभी तो सारी इंद्रियां भ्रष्ट बनी पड़ी हैं, श्रेष्ठ इंद्रियां भी और भ्रष्ट इंद्रियां भी, तो जनसंख्या जास्ती बढ़ती चली जा रही। सचिव में देवताओं का राज्य था, इनका राज्य था जो दूसरों को देने वाले थे, किसी से लेने की कुछ इच्छा रखने वाले नहीं थे। और अभी किसका राज्य है? देवताओं का राज्य है या देवताओं का राज्य है? देवता है, जितने जितने गद्दी पे बैठे हुए वो सब लेने की पहले कामना करते हैं, कैसे प्रजा को कैसे प्रजा को चूसा जाए, ऐसे ऐसे नियम कानून बनाएंगे जिससे प्रजा बिल्कुल कंगाल होती चली जाए और उनकी उनकी जेबें बढ़ती चली जाए। तुम ये बातें समझा सकते हो? लक्ष्मी नारायण के राज्य में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। क्यों जरूर शब्द क्यों लगाया है? जरूर थोड़े मनुष्य क्यों होंगे? हाँ, क्योंकि जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण होते हैं, संयम युग के लक्ष्मी नारायण होते हैं, उनका तो इंद्रियों से भी संसरण नहीं होता, संसर्ग नहीं होता। क्या वो वाइब्रेशन से ही पैदाइश होती है? वाइब्रेशन की पैदाइश के लिए उनको इकट्ठा होना भी शरीर से जरूरी नहीं है। तो वाइब्रेशन की शक्ति से काम करने वाली आत्माएं थोड़ी होंगी या ज्यादा होंगी? थोड़ी, तो थोड़ी होती है। कितनी होंगी? 4.5 लाख होंगी। तो 4.5 लाख से शक्ति पैदा होगी वो भी थोड़ी होगी, 4.5 लाख से 4.5 लाख निकलेंगे, टोटल होंगे 9 लाख। 9 लाख में से कितने निकलेंगे? 9 लाख ही निकलेंगे या ज्यादा निकलेंगे? 9 लाख उतने उतने निकलते रहेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी। नहीं नहीं, नहीं। ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे ना, तो ज्यादा निकलेंगे तो जरूर नीचे गिरे हैं। संगम की लक्ष्मी नारायण जो है वो वाइब्रेशन से पैदाइश करते हैं, तो सती की लक्ष्मी नारायण पहले दृष्टि से पैदाइश शुरू होती है। हाँ, तो जरूर नारायण के राज्य में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। नया धार छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। क्या पत्तों की संख्या बढ़ती जाती है, टहनियों की संख्या बढ़ती जाती है, तो झाड़ छोटे से तो बड़ा होना ही है। सतयुग में तो एक धर्म था, सतयुग त्रेता में थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो आने के ना तो हो गए। क्या अब फिर कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है? अभी तुमको मालूम पड़ा है? क्या क्या मालूम पड़ा है? क्या मालूम पड़ा है कि तुम नरकवासी थे? बुद्धि कहाँ लगी हुई थी? नरक की दुनिया में लगी हुई थी। अभी जितनी जितनी नरक की दुनिया से बुद्धि निकलती जा रही उतने उतने हम स्वर्गवासी बनते जा रहे हैं, बुद्धि से, प्रैक्टिकल शरीर से नहीं। तब तक बनते रहेंगे जब तक बुद्धि एकदम सालिम न हो जाए, निराकारी स्टेज में न टिक जाए। ओम शांति।